तो बेऊ जिले में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे पुलिस की वाहनों के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को देखते हुए उन्हें बेऊ जेल लाया जा रहा है। और ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पे विधायक अनंत सिंह बेऊ जेल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बेऊर जेल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह को लाया गया। अनंत सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत पर लिया जाएगा। और बेऊर जेल में अनंत सिंह आ चुके हैं और आपको बता दें कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें लिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बेऊर जेल में। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं बेऊर जेल से, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना पुलिस के वाहन में विधायक अनंत सिंह को बेऊर जेल के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह को लाया गया है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें लिया गया है और आज सुबह से ही पटना एयरपोर्ट पर पहले पहुंचे, उसके बाद बाढ़ में कोर्ट परिसर में वे पहुंचना था, उसके बाद बाढ़ से पटना के बेऊर जेल में पहुंच रहे हैं। तो अनंत सिंह पटना बेऊर जेल में पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पटना की बेऊर जेल से सीधी तस्वीर जहां पर विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल पहुँच चुके हैं। तो पटना के बेऊर जेल में पहुंच चुके विधायक अनंत सिंह और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां पे विधायक अनंत सिंह पहुंच चुके हैं पटना के बेऊर जेल में। और आपको बता दें कि उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था, उसको लेकर के केस दर्ज किया गया और लगातार उन्हें पुलिस छानबीन कर रही थी। दिल्ली के साकेत कोतवाली में उन्हें सरेंडर किया, उसके बाद आज पटना एयरपोर्ट पे उन्हें लाया गया। सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लाया गया। और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे पटना बेऊर जेल की अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक अनंत सिंह गाड़ी से उतरते दिख रहे हैं और बाढ़ से पटना के बेऊर जेल लाया गया है उन्हें। और आज सवेरे उन्हें पटना एयरपोर्ट से बाढ़ ले जाया गया था। पूरी तरह से जो भी रूट हैं जिनसे उन्हें लाया जा रहा है, छावनी में तब्दील कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें हैं और 14 दिन के रिमांड पर पुलिस लेगी। SIT की टीम गठित की गई है जाँच के लिए और लगातार पुलिस सजग है। SP लिपि सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो पटना के बेऊर जेल में उन्हें लाया गया है और 14 दिन के रिमांड पर उन्हें लिया गया है। तो SIT की टीम गठित की गई है और आगे की जांच करेगी और पहले मेडिकल जांच किया जाएगा उनका, तब उन्हें सेल अलॉट किया जाएगा। तो आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लगातार भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तो विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव कड़ी सुरक्षा के बीच। और हालांकि उनके पहुँचने के बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बेऊर जेल के अंदर ले जाया गया है और अभी उनको एक विशेष स्थान पर रखा गया, वहां उनका मेडिकल चेक होगा और मेडिकल चेक कराने के बाद फिर से उन्हें एक विशेष केस दिया जाएगा। तो अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच आखिरकार बेऊर जेल लाया गया और फिलहाल अनंत सिंह बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। आदि की बड़ी खबर यही है, अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अनंत सिंह को बेऊर जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है, उनका मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के बाद उनको सेल दिया जाएगा और निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनको सेल के अंदर रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेऊर जेल लाने की प्रक्रिया खत्म हो गई,
पहला एपिसोड पार्ट टू पार्ट वन अनंत सिंह खत्म हो गया और फिलहाल निश्चित तौर पर अब आगे जो भी कुछ होगा वो माननीय न्यायालय के आदेश के बाद होगा। तो फिलहाल अनंत सिंह देवरी जेल के अंदर मरगूब विधायक अनंत सिंह को कितने दिन के न्यायिक हिरासत पे लिया गया है? 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वो रूल है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और फिलहाल उसी न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद निश्चित तौर पर आज अनंत सिंह को भेजा गया है। अनंत सिंह को देवरी जेल भेजे जाने के पीछे कारण सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था बार में, यही कारण था कि अनंत सिंह को जहाँ भेजा गया है और फिलहाल अब अनंत सिंह देवरी जेल के अंदर शिफ्ट किए गए हैं और उनका फिलहाल मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के बाद उनको फिलहाल सेल दिया जाएगा और सेल के अंदर अनंत सिंह रहेंगे और फिलहाल उसके बाद जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उस न्यायालय के आदेश के अनुसार पटना पुलिस काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल मरगूब, तो जो आदेश दिया गया है न्यायालय के द्वारा उसके अनुसार काम किया जाएगा। फिलहाल विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल पहुंच चुके हैं, फिलहाल उनका मेडिकल चल रहा है, उसके बाद उन्हें सेल दिया जाएगा। किस सेल में वे रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मरगूब तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आपको बेउर जेल से दिखा रहे थे कि जिस जगह पे पटना के बेउर जेल में विधायक अनंत सिंह बाढ़ से पटना के बेउर जेल पहुंच चुके हैं और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद सेल दिया जाएगा। कशिश न्यूज़, खबर भी असर भी।